ड्रिल के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एनएमडीसी के SP3 प्रोजेक्ट में भूस्खलन हो गया, 4 मजदूरों की मौत हो गई, 2 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं और अभी भी कोशिश लगातार जारी है। हादसे के बाद हड़कंप मच गया, मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। आज किरंदुल के माइनिंग SP3 में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 मजदूर दब के मर गए, 3 लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि वो दिखाएं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह घटना लगभग 2 से 2:30 बजे की बताई जा रही है और मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए इस एरिया को जहाँ पर भूस्खलन की वजह से 4 मजदूर दब के मर गए, 1 की रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है जिसको निकालने के, उसकी बॉडी को निकालने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि ये, मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये वही जगह है जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और अचानक यहां पर भूस्खलन हुआ। यहां पत्थर तोड़ते समय यह हादसा हुआ है और यह हादसा में कई मजदूरों के दबने की जानकारी मिल रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाए हुए एक जेसीबी जब यह पहाड़ टूटा, जब ये ड्रिलिंग के समय यह पहाड़ टूटा तो वह जो जेसीबी मशीन का ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर अपनी जान बचाकर कूद के यहाँ से भागा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये एरिया को दिखाए जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे थे और अचानक ही यह पहाड़ से पत्थर जब टूटा तो नीचे मजदूर काम कर रहे थे और काम करते वक्त अचानक ही वो दब गए। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4th की खोजबीन जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि और भी कई लोग इस भूस्खलन में दबे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, News18 दंतेवाड़ा, किरंदुल। और इधर सीएम ने इस घटना पर, दंतेवाड़ा में जो यह हादसा हुआ, इस पर दुख जताया है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिखा है, ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दंतेवाड़ा के किरंदुल स्थित NMDC के SP3 प्लांट में चट्टान धंसने की दुर्घटना का दुखद समाचार मिल रहा है। इस दुर्घटना में मजदूर भाइयों के देहावसान की भी सूचना मिली है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना वो करते हैं, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना वो व्यक्त करते हैं। जो मजदूर खदान में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, जल्द उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा। खबर कोरबा से, जहां एक युवक की तंत्र मंत्र के शक में